बुखार हो गया था ना, इतनी तकलीफ हो रही देर मुए ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, सो फाइनली बहुत टाइम के बाद मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ व्लॉग के थ्रू। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा जो कि आज से बहुत टाइम ऑलमोस्ट एक मंथ पहले मैंने व्लॉग डाला था, और मैं अब एक मंथ बाद मैं व्लॉग अपना कोई डाल रहा हूँ। उस व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आई कार्ड पे मेरा वीडियो लिंक्ड है, आप जाके देख सकते हो। बाकी जितने लोगों ने मेरा कुछ पुराना व्लॉग देखा होगा उनको पता होगा कि लास्ट मेरे व्लॉग में मैंने बताया था कि मेरी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, एंड वही चीज़ मैंने शेयर करी आपसे। एंड देन मैंने और भी व्लॉग शूट करे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना मैं उनको एडिट कर पाया ना ही मैं उनको अपलोड कर पाया, क्योंकि उस दौरान मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मेरा जो व्लॉग का सिलसिला था वो वहीं ख़त्म हो गया। और फिर मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए, मैसेज भी आए, जो मुझे पर्सनली मतलब जानते हैं, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फॉलो भी करते हैं, उन लोगों ने मुझसे पूछा भी कि भाई कहाँ हो, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। फिर मैंने उन लोग को बताया कि यार मॉम की तबीयत ख़राब है, ऐसा और वैसा करके। सो फाइनली वैसे अब सब कुछ ठीक है, मैं मॉम घर वापस आ चुकी हैं, बट अभी घर पे नहीं है, अभी मौसी के यहाँ छोड़ दिया है। मैं बहुत टाइम से व्लॉग बनाने का सोच रहा था कि मैंने आप लोगों से सब कुछ शेयर किया, मेरे मॉम की तबीयत ख़राब होने के बारे में भी शेयर किया, बहुत सारे लोग अभी भी जानना चाहते हैं कि मेरी मॉम कैसी हैं कैसी नहीं है। सो फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि एक व्लॉग बनाना चाहिए जिसमें मैं आप लोगों को ये बता सकूँ कि मैं कहाँ था दिनों से, मेरी लाइफ में क्या चल रहा था और मेरी मॉम अब कैसी हैं। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली मेरी मॉम को हुआ क्या था। अब आप लोग भी मेरी फैमिली के हिस्सा हो तो आप लोगों से शेयर करना तो बनता है। सो एक्चुअली हुआ क्या था, जब 6 तारीख को मैं लौट के सीहोर से भोपाल आया था, जब 10 डे 10 ब्लॉक चैलेंज के लिए रक्षाबंधन पे मैं सीहोर गया था, और जब मैं सीहोर से लौट के भोपाल वापस आया था तो उसका रीज़न था कि मुझे फ़ोन आया था कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो चुकी है। मैं भागा दौड़ा जैसे करते करते नानी को लेके मैं भोपाल आया। 6 तारीख से लेके 12 तारीख तक हमने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, लाइक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, न्यूरोसर्जन को भी दिखाया। देन 11 तारीख को हमने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ये बोला कि आप जितना जल्द हो सके मम्मी को आप इनको एडमिट कर दीजिए। 12 तारीख के दिन जब मैं सो के उठा तो मैं क्या देखता हूँ कि मैंने जब गेट खोला और मैं देखता हूँ कि मेरे पापा मॉम को वॉशरूम के लिए लेके जा रहे हैं, एंड उससे एक दिन पहले तो मेरी मॉम खुद से चल के जा रही थी, बट मैं क्या देखता हूँ कि अब पापा और मम्मी को लेके जा रहे हैं वॉशरूम के लिए पकड़ के, और मम्मी एक पाँव से मम्मी लड़खड़ा रही हैं, मतलब बहुत ही मतलब जैसे होता ना एक पाँव काम कर नहीं कर रहा है वैसा। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है यार, मैंने कहा हो सकता है मैं भी शायद मम्मी थोड़ी वीक हो गई हूँ। तो उस दिन भी पापा फिर कहीं गए थे, दूसरी जगह पे गए थे थोड़े हॉस्पिटल का पता करने के लिए। उस दिन 12 तारीख की शाम को कुछ ऐसा हुआ मेरी लाइफ में जो पूरी लाइफ हिला के रख दी। 12 तारीख के सुबह जो मैंने आपको बताया कि पापा मम्मी को लेके जा रहे थे, 12 तारीख की शाम तक मेरी मॉम का एक साइड का पाँव लगभग ये मान के चलिए 80% काम करना बंद कर दिया था, और जो देख के मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। और मैंने मेरी सिस्टर से शेयर किया कि यार ऐसा हो रहा है कि मम्मी का एक साइड का पाँव अब काम मतलब नहीं कर रहा है, मतलब मम्मी को वो अगर वॉशरूम भी जाना है तो उनको लेके जाना पड़ रहा है, अभी तक तो वो खुद चली जाती थी, अब वो पाँव उठा नहीं पा रही हैं, उनको पाँव घसीटना पड़ रहा है। तो मेरी सिस्टर समझ गई कि क्योंकि वो थोड़ा डॉक्टर मतलब मेडिकल लाइन में है तो वो समझ गई। वो लिटरली मेरी दोनों सिस्टर्स जो मेरी कज़न सिस्टर्स हैं वो मेरे पास घर पे आई और उन्होंने बोला चलो भाई इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं लिटरली ब्लैंक था कि मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाया जाए तो कौन से हॉस्पिटल लेके जाया जाए, क्योंकि ये जो हो रहा था मेरी लाइफ में, ये मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम हो रहा था। आज तक मैंने सिर्फ मूवीज़ में देखा है या किसी और को, लेकिन आज तक कभी मेरी लाइफ में मैंने ऐसा कुछ फेस नहीं किया था जो मैं अभी फेस कर रहा था अपनी लाइफ में। मतलब लिटरली मैं ब्लैंक था कि मैं क्या करूं, मैं यहाँ फ़ोन लगा रहा हूँ, मैं वहाँ फ़ोन लगा रहा हूँ, मैं चाचा को फ़ोन लगा रहा हूँ, मैं दोस्तों को फ़ोन लगा रहा हूँ कि भाई मम्मी को एडमिट करना है। देन मेरी बहन ने मुझे सजेस्ट किया कि एक हॉस्पिटल है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा तो वहाँ पर अपन चलते हैं। मैं गया, मैं क्या देखता हूँ, जब मैं घर आया, घर आके जब मैंने मम्मी की हालत देखी, मेरी मॉम का एक साइड का पाँव काम करना पूरा बंद कर दिया था, पूरा मतलब लिटरली जो पाँव सुबह तक चल रहा था थोड़ा बहुत, दोपहर तक और कम हुआ, जब मैं डॉक्टर के पास से आया हॉस्पिटल से, मेरी मॉम का वो पैर ने पूरा काम करना बंद कर दिया था, जिसने मेरे दिमाग की माँ बहन कर दी। मुझे समझ में नहीं आया यार, सुबह तक चल रहा था, शाम को ही एकदम से अचानक क्या हो गया, पूरा पाँव काम बंद करना बंद कर, मेरे हाथ पैर कपकपाने लग गए, मुझे लिटरली अंदर से ऐसा लगने लग गया अब तो लेके जाना है यार मम्मी को, अब नहीं रखना। मम्मी को ऑटो में लेके जाके हॉस्पिटल लेके गए, इमरजेंसी में दिखाया और उनको फाइनली एडमिट किया। फिर
एडमिट, जैसे तैसे हमने एडमिट किया, तब थोड़ी सुकून की सांस ली कि नाउ शी इज इन अ सेफ हैंड। अब डॉक्टरों के पास हैं तो हमें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब डॉक्टर लोग देख लेंगे। अभी तक घर पे इलाज चल रहा था तो हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, बट अब नाउ डॉक्टर हैं तो ठीक है। फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि इनका एक सिटी एंजियोग्राफी होना होगा, जिसके लिए हमें एक सुबह तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने शाम को एडमिट किया। सुबह सिटी एंजियो हुआ, मैं गया डॉक्टर के पास में, कहले आप जब तक इनको होके आइए, हमें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। अब आईसीयू सुन के तो भाई साहब पता ही है क्या हो जाता, बताओ आईसीयू भाई, आईसीयू में क्यों लेके जाना है? वो सुनते ना आईसीयू में वो लाल बत्ती जलती है, और वो मैं घबरा गया, मैं दौड़ के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझे बुलाया, डॉक्टर ने मुझे फिर जो बताया मम्मी की सिटी एनजीओ देख के और सिटी की रिपोर्ट देख के मम्मी को जो बताया, लिटरली मेरे क्या बताऊँ होश उड़ गए, मतलब पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाने वाला सीन था मेरे साथ में। डॉक्टर ने मुझे बुलाया, डॉक्टर ने मुझसे बोला कि जैसा कि आपको पता है कि आपकी मोम की दिमाग की नसें फटी हुई हैं, फट चुकी हैं। मैं शॉक्ड, मैंने कहा ये क्या बोल रहा है, मैंने कहा आपके MRI रिपोर्ट में साफ साफ दिख रहा है कि आपके मोम के दिमाग की नसें फट चुकी हैं, जिसके वजह से उनके दिमाग में ब्लड जमना चालू हो गया है। मैंने कहा दूसरे डॉक्टर को दिखाया था भाई साहब, उसने तो ऐसा कुछ बताया नहीं। फिर उन्होंने बताया कि अल्लाह के वो तो अलग बात है, लेकिन अब जो केस मम्मी के साथ में हो रहा है वो और भी ज़्यादा डेंजरस है और चिंताजनक है। मैंने कहा क्या हुआ? देन डॉक्टर ने मुझे समझाया, डॉक्टर ने बताया कि अल्लाह के उनके दिमाग की नसें फट चुकी हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग में खून जमना चालू हो गया है। एंड दूसरी एक और चीज़ है कि उनके दिमाग की जो नसें हैं, वो नसों का मतलब ये मान के चलो, अगर वो नसों का गैप इतना होना चाहिए जिससे ब्लड सर्कुलेशन जाना चाहिए, तो वो ब्लड का मतलब नसें जो हैं वो दिन पर दिन सुकुड़ती जा रही हैं। एंड जितना खून उनके दिमाग तक पहुंचना चाहिए था, वो दिमाग तक खून नहीं पहुंच रहा था, और वो नसें दिन पर दिन सुकुड़ रही थी। अब डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जब नसें ब्लॉकेज होना चालू होती हैं तो कुछ सिम्टम्स होते हैं, और इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स मतलब कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ओ भाई साहब, तो वो सुनने के बाद तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान अपने किसी फैमिली वालों के लिए ऐसा कुछ सुने जैसा मैंने सुना। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि उनकी जो दिमाग की नसें सिकुड़ रही हैं, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस, उसके मतलब उसके असर ऐसा है कि जिसको ये होता है ना, मतलब या तो ये कह सकते हो कि उनका दिमाग काम करना बंद कर सकता है, मम्मी की याददाश्त जा सकती है, मम्मी पैरलाइज्ड हो सकती है, या तो मम्मी कोमा में जा सकती है। ये सुनने के बाद मतलब क्या ही बोलूँ मैं, कैसा वाला सीन था, मैं वो समझ में नहीं आ रहा था, मैं कुछ नहीं समझ में आ रहा था, बट मैं लिटरली डर गया, क्योंकि लाइफ में मैंने बताया ना आज तक 27 साल का हो गया हूँ, लेकिन लाइफ में कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं लाइफ में, ना किसी फैमिली मेम्बर को ऐसा कभी देखा, तो मैं बहुत शॉक्ड हो गया यार। मैंने कहा जिस तरीके के बता रहे हैं कि याददाश्त जा सकती है, पैरलाइज हो सकती हैं, दिमाग काम करना बंद कर सकता है, कोमा तक में जा सकती हैं, मैं डर गया। बट डॉक्टर ने कहा कि जैसा आपके केस में दिखाई दे रहा है कि उनका एक साइड का पांव काम करना बंद कर गया है, तो कर लगे आपके केस में मम्मी को पैरालिसिस वाला सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, और दूसरा सिम्टम्स दिखाई दे रहा है कि मेरी मम्मी का दिमाग काम करना धीरे धीरे बंद कर रहा है, दिमाग सुन्न होता जा रहा है। वो दिन था, मैंने जितने लोगों से भी शेयर किया ना, मेरी मौसियों से शेयर किया, मैंने भाइयों से शेयर किया, मैं दोस्तों से शेयर किया, मैं बहुत रोया। वो दो दिन में इतना रोया ना, मैं कभी लाइफ में नहीं रोया होऊंगा। फिर जब मम्मी को ICU में शिफ्ट किया, और आप खुद देखो ये फुटेज, आप समझ जाओगे कि मेरी मॉम एक नॉर्मल इंसान से जब उनका दिमाग सुन्न होना चालू हो गया था तो वो किस तरीके से रेस्पॉन्स कर रही थी, आप खुद समझ जाओ। और कुछ तो नहीं हो रहा सर में जलन हो रही? हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कुछ भी सोचना नहीं है ना फालतू का। और कुछ हो रहा है क्या? ऑलराइट, तो जैसा आपने देखा कि अभी जैसा आपने वो वीडियो में देखा होगा कि मेरी मॉम का जो रेस्पॉन्स करने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया था। इवन अगर मैं मॉम से कुछ भी पूछता था
तो मॉम मेरी तरफ देख के जवाब नहीं देती थी, वो अगर जवाब देना होता था जैसे मैंने पूछा तो बहुत देर बाद देखती थी और बहुत देर बाद मुझे जवाब देती थी। इससे समझ में आ रहा था कि उनका दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है, सुन होता जा रहा है दिमाग, और जो कि देख देख के ना अंदर से ऐसा लगता है कि बहुत वर्स्ट फीलिंग थी। मैंने मेरी मॉम को मतलब जो पेन में मैंने देखा है ना, जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब होती हुई दिखाई दे रही थी। मतलब ये हाथ जो है डॉक्टर ने बताया कि ये हाथ और ये पैर उनका काम करना बंद कर दिया है, तो अब दिमाग जो मतलब कमांड देना चाह रहा था कि हाथों को पैरों को, वो कमांड ना देने के वजह से, दिमाग तक कमांड ना पहुंचने के वजह से उनकी एक साइड की बॉडी बहुत ज़्यादा पेन बियर कर रही थी, क्योंकि इस वाले साइड पर तो सिर्फ उनको महसूस हो रहा था ना, वो पैर चला पा रही थी, तो एक ही साइड का उनका बॉडी बहुत ज़्यादा पेन में थी। और वो पेन क्या बताऊँ मैं, वो पेन तो बयान भी नहीं कर सकता। आई होप सो अगला जो ये वीडियो आ रहा है ये आप देख के समझ जाओ कि मेरा मॉम को जो पेन था वो कैसा पेन रहा होगा और कैसा नहीं। आई नो ये वीडियो आपको दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, बट ठीक है आप ये देखो वीडियो देखो। नहीं बन सीने की तकलीफ बन रही है, इंजेक्शन डाल के गए, इंजेक्शन डाल के गए हो तो मेरे जैसे मन के सीने में तकलीफ हो तो बोले मेरे सीने में तकलीफ हो रही, मो ठंडो पसीना आ रहा, हाँ मेरे के बोले कोरोना, जब तो जाए बुलाए तो बाहर से कहने के बहाने, मेरे सीने में पहले ये सुई भाई वो दर्द, अब तो नहीं हो रहा वो दर्द, नहीं जो शोर जो सबसे पहले भयो तो वही वही मैंने डॉक्टर मैंने कि जो उससे नसों में मेरे दर्द हो रहा तो बोले वो भी होएगा, फिर माने मेरे भाई तो मन मन जानू हुआ, फिर मान मेरे सीने में लग मैंने एक बटल में लगायो, पता नहीं कल कल लग गए कैसे मैंने कि भैया मो सीने में ठंड दर्द हो रहा, और मेरे कोई मेरे मेरे मैंने ये मेरी आवाज नहीं, बस अब मत बोलो, बस हो गया, चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, बस बहुत बोल ली, अब नहीं बोलना है ना, चुप हो जाओ। अभी भी जो ठंडो पसीना आ रहा, डॉक्टर ने बोला वो तुम्हें बुखार था ना, हाँ। तो बुखार के लिए भी उन्हें खिलाया था, तो हो सकता है उसके वजह से आ रहा हो, तुम्हें सुबह बुखार हो गया था ना, इतनी तकलीफ हो रही देर में, मम्मी वो ठीक हो जाएगा, मैं कब का डॉक्टर बुलाया, नर्स ने आ रहा है, डॉक्टर आ रहा है, आ जाएगा। ऑलराइट, तो जैसा आपने अभी इस वीडियो में देखा कि जो मेरी मॉम पेन में थी या जो मेरी मॉम को पेन हो रहा था वो बहुत मतलब हम तो अपने सामने देखते थे तो अजीब लगता था, मैंने मेरे पापा को भी रोते हुए देखा, इवन ये कि मैं खुद भी जब मम्मी ऐसे पेन में हुआ करती थी, मेरे सामने होती थी, मैं अंदर से मुझे मन करता था कि रोऊं, आंसू अंदर से ऐसा लगता था कि आ रहे हैं, लेकिन एक लंबी सांस ऐसे मैं खींचता था और मैं होता है ना जब हमें अंदर से बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है लेकिन हम सांस खींचते हैं और उस रोने को कंट्रोल करते हैं, मैं बार बार वही चीज़ करा करता था, मैं थोड़ा दूर होता था मम्मी से एंड देन लंबी सांस ली एंड देन मम्मी के पास सामने वापस आया करता था, क्यों, क्योंकि मम्मी को मैं वो आंसू नहीं दिखाना चाहता था, मम्मी को ये नहीं दिखाना चाहता था कि नहीं मैं टूटता जा रहा हूं, मैं अंदर से बहुत टूट रहा हूं, मेरे को रोना आ रहा है, मैं नहीं देख सकता इतना पेन में, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था, मुझे मॉम के साथ रहना भी है लेकिन टूटना भी नहीं है, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। वो कहते हैं ना कि इंसान को ठीक करने के लिए जितनी दवा चाहिए होती है उतनी दुआ भी चाहिए होती है, और जिस दिन से मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी 6 तारीख से लेके हनुमान चालीसा उनके हाथ में कंटिन्यूसली रहती थी, उन्होंने इवन हॉस्पिटल जहाँ से जब लेके गए थे तो अपने हाथ में हनुमान चालीसा रखी थी एंड वो हनुमान चालीसा उन्होंने नहीं छोड़ी, उन्होंने वो हनुमान चालीसा नहीं छोड़ी, वो मुझे डेली बोलती थी कि तू हनुमान चालीसा सुना, तो मैं उनको फिर उनके पास मैं बड़ी रिक्वेस्ट करता था, आईसीयू में जाता था मोबाइल लेके उनके कान के पास में मोबाइल रख देता था, उसमें हनुमान चालीसा चलती रहती थी, तो वो थोड़े टाइम के लिए सुकून महसूस करती थी वो हनुमान चालीसा के, क्योंकि मैं ज़्यादा देर आईसीयू में ऐसा रख नहीं सकता, तो थोड़े टाइम के हनुमान चालीसा सुनाता था, देन वो सो जाती थी, सोने के बाद देन मैं बाहर आता था। वो कहते हैं ना कि शायद होता है भगवान होता है, तब मैंने माना, मतलब अभी भी मैं पहले भी मानता था कि भगवान होता है, लेकिन तब लगा कि नहीं होता है यार भगवान,
मेरी मॉम ने वो हनुमान चालीसा नहीं छोड़ी, हनुमान जी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। सीधी बात यह है कि वो हनुमान चालीसा उनके हाथ में कंटिन्यूसली रखी रही, एक हनुमान चालीसा उन्होंने तकिए के नीचे रख के रखी, वो हनुमान चालीसा उनके हाथ से छूटी नहीं। और शायद उसी का मतलब कह सकते हो कि वो दुआ और वो दवा दोनों असर करने लग गई थी कि धीरे धीरे मेरी मॉम रिकवर होना चालू हो गई थी। जैसा कि आप अभी इस वीडियो में देखो आपको समझ में आ जाएगा कि वो हनुमान चालीसा उनके हाथ से छूटती नहीं थी। अब अच्छा लग रहा है? हाँ। हंसो फिर, ये ऐसा नहीं हंसना, अच्छे से हंसना है ना, हंसो। हाँ ये तुम्हारे दांत अभी ब्रश करे ना मैंने, हाँ तो अच्छे से हंसना है ना। ये हाथ हिला के दिखाओ, ये मिट्टी बांधो, एक उंगली हिलाओ, दो हिलाओ, दो दो, ये तो पांच हो गई, चीटिंग है ये तो। मिट्टी बंद करो, हंसो मत, एक दूसरी हिलाओ, ये देखो ये फिर पांच हो गई, एक हिलाओ, दो हिलाओ, तीन हिलाओ, हाँ ये। चलो अब मैं जाऊँ, ठीक है? हाँ। पापा को परेशान मत करना। हाँ। है ना, कुछ खाना है? नहीं। पापा पपीता लाए हैं, रात में खा लेना। हाँ। अब सो जाओ, है ना, जा रहा हूँ मैं ना। हाँ। टाटा टाटा टाटा। हाँ। एक दिन क्या हुआ कि 17 अगस्त को मेरे भाई का बर्थडे रहता है, 12th अगस्त को मैंने मेरी मॉम को एडमिट किया है, 17th अगस्त को मेरे भाई का बर्थडे रहता है। क्योंकि लिटरली मुझे खुद को भी याद नहीं था, मेरे घर में किसी को याद नहीं था, पापा को भी याद नहीं था। मेरी मॉम 12 तारीख से हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनको ये भी नहीं पता था कि वो 12 तारीख को, उनको बस ये पता था कि 12 तारीख को उनको एडमिट किया गया है। कैसे आई डोंट नो कि हमको याद नहीं था मेरे भाई का बर्थडे। जब 16th अगस्त को जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा, मेरी मॉम के पास गया, मेरी मॉम ने मुझे बुलाया, बोलती कहती कल पंकज का बर्थडे। मैंने कहा यार मुझे तो याद ही नहीं है। मैंने कहा तुमको जब से एडमिट किया, मैंने कहा मुझे याद नहीं है कि 17th अगस्त है। मैंने तुम्हें कैसे याद है? तब समझ में आया एक माँ अपने बच्चों के बारे में कभी नहीं भूलती भाई, किसी भी हालत में हो। एक माँ भले दुख में हो, तकलीफ में हो, उसके दिमाग में उसके बच्चों के लिए, उसका परिवार, वही सब कुछ चलता रहता है। यानी आई डोंट नो कैसे उस हालत में मेरी मॉम को मेरे भाई का बर्थडे याद। एंड उन्होंने फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी, मुझसे नहीं मेरी फ्रेंड से, क्योंकि मेरी फ्रेंड एक केक लेके आई थी जो मेरी मॉम को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मेरी मॉम ने मुझसे कहा कि तू एक वीडियो बना और वो मेरी फ्रेंड को भेजना, सिमरन जो मेरी फ्रेंड है उसको भेजना और उससे बोलना कि मैं उससे मतलब तू रिकॉर्ड कर वीडियो, मैं बोल दूँगी। मैंने ठीक है, मैंने मोबाइल ऑन किया एंड वो वीडियो क्या था वो आप देखिए। बोलो क्या बोलना है? क्या नाम है? सिमरन। सिमरन? हाँ सिमरन। सिमरन हाँ। कल मेरे छोटी बेटा को बर्थडे है, पंकज को। हाँ। शिवम को नहीं, पंकज को। हाँ। तो आपके लिए एक केक मंगवा रही है तू अपनी तरफ पास से। हाँ। ये तेरी मम्मी की फरमाइश है। मेरी मम्मी की ना? हाँ। हाँ। तुम खाओगी केक? हाँ हाँ ठीक है, मंगवा दूंगा। ठीक है, मुझे अच्छा लगा जिंदगी में वो वाला केक। हाँ। तू मंगवा दे सिमरन। हाँ। हाँ। छोटा बेटा पंकज का नाम लिख पाई। हाँ। कितने साल का होगा? 24 का हो जाएगा। 24 का हो जाएगा। तू अपनी तरफ से एक बर्थडे केक मंगवा दे। कल जो मैंने पहले खाया था तू मंगवाती रहती थी, अभी से ऑर्डर कर दी है। हाँ बोल दूंगा, नहीं कटवा लेंगे हम। हाँ ठीक है। हाँ। लिटरली आप ये वीडियो देख के आप खुद समझ के होगे, मैंने मॉम को 12th अगस्त को भर्ती किया, उनकी हालत ऐसी थी, इतनी दुख तकलीफ में थी, ढंग से बोला नहीं जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तब भी उन्हें मेरे भाई का बर्थडे याद था। एंड लिटरली उन्होंने रिक्वेस्ट करी, मतलब मेरी फ्रेंड के लिए वीडियो रिकॉर्ड करवा के उन्होंने बोला कि वो केक प्लीज़, मेरे बेटे का बर्थडे है एंड वो जो केक तुमने मुझे खिलाया था वो उनके लाइफ में सबसे ज़्यादा उनको पसंद आया, वो केक उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि वो भी ये केक खाना चाहती हैं और मेरे छोटे बेटे का बर्थडे है तो उसके लिए वो केक ऑर्डर करो। माँ के बिना एक घर ना घर नहीं लगता है, लिटरली बताऊँ ना तो वो घर घर जैसा लग ही नहीं रहा था ना, वो खाना खाना जैसा लग रहा था ना, वो सुबह सुबह जैसी लग रही थी, मतलब दिन बिना माँ के ना घर घर कहला ही नहीं सकता मेरा भाई, ना बिना माँ के ना बिना बाप के वो घर घर कहला ही नहीं सकता।
वो चीज़ उस 12 से लेके 20 तारीख के बीच में आठ दिन में मैंने महसूस किया। बट फाइनली फिर मॉम 20 तारीख को घर आ गई एंड फिर मैंने सोचा, फिर सब कुछ ठीक हुआ। अभी तो फाइनली मेरी मॉम जो है वो मौसी के हैं, क्योंकि मेरे घर के आजू बाजू शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, तो थोड़ी डिस्टर्ब होती थी। तो अभी हम लोगों ने मौसी के यहाँ छोड़ दिया। बट ये जो समय था ना, पता नहीं क्या था क्यों नहीं था, बट वो जो तब मेरे को एक चीज़ समझ में आया, पता है कि जब कोई इंसान बीमार पड़ता है ना, तो डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा क्यों दिया जाता है। वो जो डॉक्टर्स थे ना हॉस्पिटल के, लिटरली वो मेरे लिए, मेरे परिवार वालों के लिए भगवान से बढ़कर नहीं थे। जिन्होंने मेरी मॉम का ट्रीटमेंट किया, डेली उनके पास में वो नर्सेज रहती थी, मैं दिल से उनको, मतलब क्या बोलूँ, अभी भी थैंक यू, मैं उस टाइम पर बोल के आया था कि थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरी मॉम ठीक हुई। लेकिन होता है यार, डॉक्टर को भगवान का दर्जा क्यों दिया जाता है और किसी की जान बचाने का क्यों उतना बोला जाता है, उस टाइम समझ में आया कि उनकी अहमियत कितनी ज़्यादा होती है। एंड बस यही था, और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी मतलब चिंता दिखाई, कि जिन लोगों ने मुझसे फ़ोन ला के पूछा, कुछ लोग डेली मैसेज करके पूछते थे, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कि भाई अब मॉम कैसी हैं, भाई अब मॉम कैसी हैं, कुछ लोग मेरे फ्रेंड डेली पूछते थे भाई अब मॉम कैसी हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना केयर दिखाया, इतना मतलब अपना कंसर्न दिखाया मेरी मॉम की तरफ। सो यही था, और थैंक यू उन सभी लोगों को जिनकी दुआ से आज मेरी मॉम ठीक हो पाई हैं, उनके प्यार की वजह से आज मेरी मॉम ठीक हो पाई है। थैंक्स टू ऑल दैट डॉक्टर्स जिनकी मेहनत की वजह से आज मेरी मॉम ठीक हो पाई हैं। थैंक्स टू माई सिस्टर्स जिनने मुझे इतना ज़्यादा, मैं तो टूट गया था, मुझे तो ज़्यादा सपोर्ट किया और मुझे इतनी ज़्यादा ताकत दी कि मैं स्ट्रॉन्गली उस हॉस्पिटल में लड़ सका अपने खुद के उस कमज़ोर शिवम से। इस इंसिडेंस ने ये चीज़ तो एक चीज़, कुछ हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, एक गैर जिम्मेदार शिवम को ना जिम्मेदार शिवम बना दिया। एक परिवार कैसे चलाना है, घर कैसे संभालना है, अपने परिवार को कैसे संभालना है, सबकी फिक्र कैसे करनी है, वो उस गैर जिम्मेदार शिवम को ना जिम्मेदार शिवम बना दिया इस इंसिडेंस ने। और बाकी तो आपको पता ही है कि अगर एक मॉम की केयर करनी हो तो एक लड़की ज़्यादा अच्छे से केयर कर सकती है। मेरे दिमाग में वही फीलिंग आती थी कि काश मेरी कोई एक छोटी बहन होती, बड़ी बहन या छोटी बहन होती, तो जब मॉम को घर लेके आए, मम्मी का पाँव काम नहीं करता था तो उन्हें वॉशरूम ले जाना होता था या जो भी होता था, तो मैं लेके जाता था। मतलब तो उस टाइम फील होता था कि यार काश कोई एक बहन होती तो शायद ज़्यादा अच्छे से मॉम को हैंडल कर सकती थी। बट शायद वो सेवा करने का मौका मेरे हमारे नसीब में था, तो वही हुआ। एंड थैंक्स टू गॉड कि आज मॉम ठीक है। अब देखते हैं 1 तारीख को क्या होता है। सो लेट्स सी। सो आई होप सो अब कोशिश करूँगा कि अब से वापस अपनी व्लॉग की लाइफ जो है मैं वो चालू कर सकूँ, अपनी व्लॉगिंग लाइफ वापस चालू कर सकूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो गया, 1 महीने का गैप हो चुका है। एंड थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के लिए कि जितने लोगों ने भी प्यार दिखाया, कंसर्न दिखाया। माय मॉम इज़ नाउ फाइनली फाइन। तो अब मैं फिर से ये व्लॉग बनाने का ही, वीडियो बनाने का ही वेट कर रहा था, सो दैट कि मैं एक बार आप लोगों से बात शेयर करूँ, उसके बाद देन मैं अपनी व्लॉगिंग की जो लाइफ है वो वापस चालू करूँ। सो आई होप सो कि पता नहीं आप लोग के ये वीडियो देख के आपके दिमाग में क्या होगा, क्या नहीं बातें आएंगी, आई डोंट नो, बट जो था यही। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपसे अनदर किसी व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ, कुछ नए किस्सों के साथ में। और कोशिश रहेगी अब से डेली व्लॉगिंग फिर से चालू कर दी जाए। सो मिलता हूँ फिर मैं आपसे अनदर किसी व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।